प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास को सार्थक करने के लिए गोरक्षनाथ मंदिर से जुड़े हुए और सामाजिक कार्य को अपनी दिनचर्या बनाए हुए गोरखपुर सदर सांसद पंडित श्याम नारायण शुक्ल उर्फ रवि किशन ने कोरोना जैसी महामारी के बीच समाज के फंसे हर लोगों के मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और हर तरह से मदद के लिए सबसे पहले आगे आए। लॉकडाउन के दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन जी के निजी सहयोगी प्रवीण शास्त्री ने मुश्किल के इस संकट में फंसे हुए लोगों को घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर व अपने आवास मुंबई में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास को अपने सार्थक देने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र और अपने मुंबई स्थित आवास पर आपने राशन वितरण का काम किया और घर तक पहुंचाने का काम आपने जो हेल्पलाइन नंबर से किया, इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, यही करना चाहिए, यही मानवता है। ऐसे समय पे पूरे देश को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री और हमारे कुशवाहा योगी जी हाथ जोड़ के 24 घंटा सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे हमको लगता है हर व्यक्ति को, हर आदमी को अपने अगल बगल में भी किसी को भूखा सोने नहीं देना। पूरे देश को ये लड़ाई, पूरा देश लड़ रहा है। अच्छा, इस मुश्किल के संकट में जो लोग घर तक पहुंच रहे हैं, जो आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, जो इतने खुश हैं, जो इस मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करते हुए अपने क्षेत्र पहुंच रहे हैं और आपका काफी आभार व्यक्त कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय? बस घर पर रहने में चल रहा, सब लोग अच्छे से रहें, तो अपने परिवार और बाहर न जाए, बस कोई तकलीफ ना हो। भगवान से प्रार्थना है कि सब सही रहे, मेरा देश इस कोरोना की महामारी से बच जाए। ये बस एक बहुत बड़ा है, निकल जाए क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे। अभी यूपी में भी कल केस बढ़ गया है, दिल्ली में भी, उसमें भी सब लोग जल्दी थी, वो हैदराबाद में भी ये फैला रही है, बेवकूफियां कर रहे हैं, जो थोड़ी सी लोग समझ नहीं आए बात, वो बहुत कठिनाई है। हमारा काम है कि हम लोग सचेत करें लोगों को, आप द्वारा आप लोग घर में रहें, हाथ धोते रहें, दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, और जब तक आदेश ना हो सरकार का तब तक उसका आदेश का पालन करें, सबसे मेरी यही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते भी रहो, कौन है? हाँ, हम देख रहे हो, अपना ही है। देखते हैं। ये कौन आ गए भाई? दो जा भाई, आप लोग कौन है? कार्ड चेक करो, कार्ड कार्ड है क्या? कार्ड है शूटिंग का? ए देखो, बड़े से कार्ड चेक करो, जरा कार्ड चेक करो, कार्ड चेक करो, कार्ड चेक। अरे पंचमुखी हनुमान मंदिर में है, पंचमुखी हनुमान मंदिर लेना है। बर्तन लेके आओ, जल में डाल। मैं रंजीत त्रिपाठी, रुस्तमपुर क्षेत्र का रहने वाला, गोरखपुर लोकसभा का वोटर हूँ। मुझे ये आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, उनका ये हेल्पलाइन नंबर मुझे सोशल मीडिया से मिला था। चूँकि लॉकडाउन में मेरा पूरा परिवार फंसा था और मैं गांव जाना चाहता था, तो इस हेल्पलाइन पे मैंने फ़ोन किया, जिस पे प्रवीण शास्त्री जी ने रिसीव किया और वो मुझे गोरखपुर से 52 किलोमीटर दूर गोला बाजार तक उन्होंने मेरे घर पे छोड़ा है। बहुत प्रसन्नता मुझे हुई और आदरणीय गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी इस पहल से मैं पूरा सुरक्षित अपने परिवार के साथ अपने गांव पे आ गया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और साथ ही साथ भारत के उन 543 सांसदों को भी मैं ये आह्वान करूँगा कि आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी जो गोरखपुर के सांसद हैं, उनसे प्रेरणा लेके आप अपने क्षेत्र में भी जनता जनार्दन की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि किशन बाबू के मालूम कि आपके सहयोग से हम अपने घरे सुरक्षित चहुँ भी अली, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रवि किशन सांसद के हेल्पलाइन के सहयोग से
प्रवीण शास्त्री के सहयोग से हम सकुशल घर पहुंच रहे हैं। रवि किशन शास्त्री को धन्यवाद। किशन सर को मैं दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मैं इलाहाबाद से आ रहा था, शंकर के शिविर में फंसा था, उनका नंबर मैं फेसबुक से लिया, हेल्पलाइन नंबर, उसके बाद मैंने फ़ोन किया, हमारे पास गाड़ी आई, सर का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उसके बाद मेरे को मदद मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर से, प्रणाम कर। रवि किशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जब बनारस से आ रहे थे तो एक जगह बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, वहाँ ना बस की साधन थी ना कुछ, तो मैंने फेसबुक पर उनका पोस्ट देखा और पोस्ट से हम नंबर निकाला और फ़ोन किया तो मुझे तुरंत लाभ प्राप्त हुआ और मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ से ऐसा सहायता उन्होंने किया मुझे, और बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बनारस से आ रहा हूँ, रास्ते में फंस गया था लॉकडाउन की वजह से, और उनका फेसबुक मैं खोल के देखा तो उसमें हेल्पलाइन नंबर था, उस वजह से मैं सहारा लिया। ये है हेल्पलाइन नंबर सर का, रवि किशन जी का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।